अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल मल्टीलिंगुअल। टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डन अबाउट पास्ट इनडेफिनेट टेंस, राइट? सो वी आर गोइंग टू नो नाउ अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। सो पास्ट परफेक्ट टेंस अलाउ अस टू डील विद टू टेंसेस, टू टाइप ऑफ टेंसेस, लाइक सिंपल टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड देन पास्ट परफेक्ट टेंस। पहले हम सिंपल टेंस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, एज आई डिड इन द प्रीवियस वीडियो फॉर पास्ट इनडेफिनेट टेंस। मैंने सारे सेंटेंसेज स्ट्रक्चराइज किए। सिंपल टेंस सबसे पहले मैंने स्ट्रक्चराइज किया, उसके बाद हमने नेगेटिव किया एंड देन वी केम टू इंटेरोगेटिव, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट द सेम थिंग्स। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या क्वालिटी है कि ये हमें टू टाइप के एक्शंस के साथ लेके चलता है। जैसा कि इंडेफिनेट में भी ये क्वालिटी थी एज वी डिड इन द वीडियो, तो पास्ट परफेक्ट में भी ये क्वालिटी है कि हम टू टाइप के जो टेंसेस हैं उनके साथ डील करते हैं। अभी मैं आपको ये क्लियर करूं कि हाउ वी डील विद द टू टाइप ऑफ टेंसेस। सो सबसे पहले हम पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद वी कम ऑन द मेन पॉइंट विच इज़ आवर टॉपिक। द मेन टॉपिक इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं एक सिंपल टेंस की और उसके बाद एक रियल टेंस जिसके बारे में हम डील कर रहे हैं, बात कर रहे हैं उसके, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज बोथ टेंसेस और सेंटेंसेस? कि जो पास्ट सिंपल की बात अगर हम कर रहे हैं तो उसमें मोस्टली हम यूज़ नहीं करते हैं वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे पास, हम हेल्पिंग वर्ब को कहीं ना कहीं स्किप कर देते हैं और जो वर्ब की तीन एक्शंस फॉर्म है हम वो एक्शन फॉर्म उसमें ऐड करते हैं। इस तरह से होता है हमारे पास। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं दे बिकेम कन्फ्यूज्ड, कि बिल्कुल परप्लेक्स सिचुएशन उनके लिए हो जाती है कि किस तरह से होगा, ये टेंस तो अलग हो गया, ये अलग हो गया शायद, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सेम ही टेंस है। हम उसे सिंपल का इसलिए एक टाइटल दे देते हैं कि वहाँ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन कुछ टेंसेज में भी ऐसा होता हो कि हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ ही बनाते होंगे और वर्ब की जो फॉर्म है उसे यूज़ नहीं करते होंगे। तो इसी को आगे लेके चलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में अगर मैं आप लोगों को और क्लियर करूं तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले तो हम इसमें पास्ट की बात करते हैं और उसके बाद हम परफेक्ट की बात करते हैं। तो हम बिल्कुल कम्प्लीटली उस टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, उस ज़माने के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमारे पास पास्ट में डन हो चुका है, राइट? स्टूडेंट कीप इन योर माइंड कि इस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो पास्ट में कम्प्लीटली डन हो चुका है एक्शन, वेदर वो टाइम जो है कि 20 मिनट पहले की बात हो रही है। अगर मैं 5 मिनट पहले की भी बात करूं, सो दिस इज़ आल्सो अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। तो मैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में ही बात कर रही हूं ऑब्वियसली। अगर मैं 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट होते हैं वो ये समझते हैं कि हमें जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि शायद हम 5 ईयर बैक की बात करेंगे, 10 ईयर, 11 ईयर, 20 ईयर, समथिंग लाइक दिस। ये फिर पास्ट की बात हो जाएगी जी कि बहुत ज़्यादा टाइम गुजर चुका है। दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक दिस, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। तो हम अगर 5 मिनट पहले भी कोई एक्शन डन कर चुके हैं, इवन 1 सेकेंड पहले, 2 सेकेंड पहले, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, कि ये एक्शन हमारा डन हो चुका है, ये काम हमारा हो चुका है। तो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। जब हम परफेक्ट की, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें समझ आ जाती है टाइटल से ही कि जैसे पास्ट परफेक्ट इज़ द टाइटल ऑफ आवर टॉपिक। सो बहुत से ऐसे जीनियस स्टूडेंट्स भी होते हैं मेरे जो, जिन्हें समझ आ जाती है कि अगर हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं सो वी शुड यूज़ ओवर हेयर द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे कि एज आई टोल्ड यू के, ओके व्यूअर्स, रियली सॉरी, दैट वॉज प्रेयर कॉल जिसकी वजह से मैंने वीडियो को स्टॉप कर दिया था, राइट? सो अभी मैंने दोबारा स्टार्ट लिया है। सो आज हम एज आई टोल्ड यू के पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे और देखेंगे किस तरह से स्ट्रक्चराइज होते हैं हमारे पास तमाम सेंटेंसेज और ये टेंस जो है किस तरह से, क्या चीज़ हमें अलाउ करता है, क्या चीज़ नॉन एप्लीकेबल है, ये सारी हम डिस्कस करते हैं। सेंटेंस मेकिंग होंगे साथ साथ इंशाल्लाह, तो आपको बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ओके स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। सो पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हम जानेंगे आज।
फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट पास्ट सिंपल टेंस। एज आई टोल्ड यू कि हमारे पास जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस को देखते हैं तो हम पास्ट सिंपल टेंस को भी साथ साथ लेके चलते हैं। तो अगर सिंपल टेंस की बात करें तो इसमें ज़्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ यही है कि जैसे परफेक्ट की बात होगी तो हम वहाँ पे हेड यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर पास्ट सिंपल टेंस की बात होगी तो यहाँ पे हेड का इस्तेमाल नहीं होगा, हम सिंपल यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करेंगे। वर्ब की जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है हम वो यूज़ करके सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस जो हैं वो फॉर्म करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ फॉर्म करती हूँ आई अराइव्ड एट 10 o'clock, they arrived, you arrived, ठीक है। ये हमारे पास तमाम हो गए सिंपल पास्ट। अगर मैं बात करूं इस तरह से ये टेंस हम बनाएं तो सेंटेंसेस आई मेट, यू मेट, दे मेट, तो इस तरह से ये तमाम हमारे पास कौन से सेंटेंसेस हैं, सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस हैं जिसमें हम हेड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ओनली पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ हम सेंटेंसेस फॉर्म कर रहे हैं, तो ये होता है हमारे पास पास्ट सिंपल टेंस सेंटेंस। ओके व्यूवर्स, एज वी डिस्कस्ड अबाउट पास्ट सिंपल टेंस, अब इसी तरह हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। अगर हम परफेक्ट की बात करें कि इसके सेंटेंसेस किस तरह से स्ट्रक्चराइज होते हैं, तो हम इसमें हेड का इस्तेमाल करते हैं, उस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वर्ब की उसे हम यूज़ करते हैं। एज वी नो दैट कि हमारे पास तीन जो है ना फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, और समटाइम हम इसे फोर्थ फॉर्म भी इसमें ऐड कर देते हैं, आईएनजी वाली फॉर्म जो जेरंड फॉर्म होती है उसे कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास थ्री फॉर्म्स की मैं बात कर रही हूँ, इसमें पास्ट पार्टिसिपल एक्शन वर्ब यूज़ होगा और इसमें हेड का यूज़ होगा। अब हेड का क्या काम है, जहाँ पे हमें सेंस देना होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, जहाँ पे हमें सेंटेंसेस उर्दू के जो एंडिंग होती है जिनकी रिकॉग्निशन होती है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस की रिकॉग्निशन किस तरह से होगी, तो वो उर्दू में जो सेंटेंसेस होंगे उनकी एंडिंग होगी चुका है, चुकी है, चुके हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप अपने नोटबुक पे भी नोट कर सकते हैं, चुके हैं, चुका है, चुकी है। तो यहाँ पे हेड जो है वो हमें यही सेंस दे रहा है जब हम हेड को यूज़ करते हैं कि ये काम पास्ट में हो चुका है, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करेंगे। एज वी नो दैट कि हमारे पास पास्ट टेंस है, हम पास्ट के साथ डील कर रहे हैं, सो वी शुड स्पीक इन पास्ट, के जो वी शुड स्पीक इन द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दैट द वर्क हैज़ बीन डन इन द पास्ट। ये जो हमारा वर्क है, हमारा एक्शन है, वो पास्ट में डन हो चुका है। सो नाउ आई एम गोइंग टू फॉर्म सम ऑफ द सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस मैं फॉर्म करती हूँ, हम देखते हैं किस तरह से हमारे पास फॉर्म होंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हम हेड का यूज़ करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करेंगे वर्ब के, और उसके बाद हमारा सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा। इट्स वेरी इजी। आई हैड अराइव्ड, यू हैड कंप्लीटेड योर टास्क, तुमने अपना काम कंप्लीट, अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। अब ये वाला सेंटेंस जो है हमारे पास इंटरोगेटिव का सेंस नहीं दे रहा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं कि जब हमारे पास इस तरह से प्रोनाउंस जो हैं वो इन द बिगिनिंग यूज़ होते हैं, समटाइम वो यही समझते हैं कि ये कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो ये इंटरोगेटिव नहीं है। ऑब्वियसली जब इंटरोगेटिव की बात होगी तो हम हेड का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल इन द बिगिनिंग करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, एक सेंटेंस हमने फॉर्म किया, दिस इज टू, नाउ थर्ड, दे हैड बिगन द टॉपिक। सेंटेंस नंबर फोर, यू हैड कम टू मी एट 9 o'clock। तो यहाँ पे हमारे पास अभी सेंटेंसेस फॉर्म हो गए हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के, जिनमें हमने यूज़ किया है हैड, हैड का इस्तेमाल किया है, इसीलिए हम इसे सिंपल पास्ट नहीं कह रहे हैं। अगर सिंपल पास्ट की बात होती, एज आई टोल्ड यू कि हमने उसमें वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है यूज़ की है, तो यहाँ पे हम पूरा पास्ट परफेक्ट टेंस जो एक टेंस है हम उसके साथ डील कर रहे हैं। आई हैड अराइव्ड,
You had completed your task. They had begun the topic. You had come to me at 9 o'clock. तो ये हमारे पास तमाम कुछ sentences form हुए हैं past perfect tense से. इसके बाद अभी हम देखते हैं कि हमारे जो interrogative के sentences हैं वो किस तरह से form होंगे. ओके स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं कि इंटेरोगेटिव के सेंटेंसेज हैं वो हमारे पास किस तरह से पास परफेक्ट टेंस के फॉर्म होते हैं. एज वी नो दैट कि जब इंटेरोगेटिव की बात होती है तो हम क्या करते हैं, एक बहुत सी बड़ी सी चेंजिंग करते हैं इंटेरोगेशन के लिए, सवालिया जुमलों के लिए. जो हेड का इस्तेमाल है, हमारे पास जो मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, हम उसका इस्तेमाल इन द बिगिनिंग करते हैं, बिल्कुल अपने सेंटेंस के स्टार्ट में करते हैं. जैसा कि मैं कुछ सेंटेंसेस फॉर्म कर रही हूँ, Had they arrived? अब यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क भी यूज़ करेंगे क्योंकि एज वी नो दैट कि हमारे पास इंटेरोगेटिव के सेंटेंसेस हम फॉर्म करें, स्ट्रक्चराइज करें, तो हमने क्वेश्चन मार्क भी यूज़ करना है. पंक्चुएशंस को बहुत ज़्यादा कंसर्न है, इसका बहुत ज़्यादा केयर करना है. Had you begun the topic? Had my mother cooked food? तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास इंटेरोगेशन हैं, जैसे कि आपने भी नोटिस किया होगा, हमने हेड का इस्तेमाल इन द बिगिनिंग किया है. और हेड के बाद हमारे पास क्या यूज़ हुआ है, यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट यूज़ हुआ है. सब्जेक्ट बाद में आता है और हेल्पिंग वर्ब शुरू में हमारे पास आ जाता है. माई मदर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट जो है सवालिया जुमलों में हमारे पास बाद में आता है. सबसे पहले हम किसे पुट करते हैं, हेड को, हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रख देते हैं और उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आता है और उसके बाद हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद एंड में हमारे पास ऑब्जेक्ट. इस तरह से हमारे पास ये सेंटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं. आप अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं. अब हम कंटिन्यू करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को, कि नेगेटिव सेंटेंसेस में एज वी नो दैट कि नेगेटिव बनाने के लिए हमें एक मनफी का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसमें नॉट का इस्तेमाल होता है. उससे हमें पता चलता है कि नेगेटिव के सेंटेंसेस हैं किसी काम से इनकार करना या किसी चीज़ से इनकार करने की बात होती है कि ये चीज़ नहीं हुआ है, तो उसमें हम सिर्फ नॉट का इस्तेमाल करेंगे हेड के साथ. ओके व्यूअर्स, एज आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स के हमारे पास जितने भी नेगेटिव के सेंटेंसेज हैं हम उसमें नॉट का इस्तेमाल करते हैं. हेल्पिंग वर्ब के एकदम बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से हम स्ट्रक्चराइज करते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेज को. तो अभी कुछ नेगेटिव सेंटेंसेज मैंने लिखे हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चराइज किए, हम देखते हैं कि उनको किस तरह से उनका स्ट्रक्चर बना है और उसमें किस चीज़ की बात हो रही है. यहाँ पे हम देखते हैं नेगेटिव, एज वी नो दैट कि इंकारी जुमले हैं, इसमें हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम किसी चीज़ से इंकार कर रहे हैं, हम कोई मनफी बात कर रहे हैं, नेगेटिव बात कर रहे हैं. तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही यूज़ होगा इसमें भी और हेड का इस्तेमाल होगा हमारे पास. आई हैड नॉट कम्प्लीटेड माई प्रोजेक्ट. हेड के बाद नॉट का इस्तेमाल होता है. जितने भी हमारे पास टेंसेज होंगे, अगर हैव और हैज़ यूज़ होगा जैसे कि प्रेजेंट का होता है, तो इस तरह और जितने भी हमारे पास टेंसेज हैं, हैव, हैज़ के बाद, हेड के बाद, डिड के बाद, इन हेल्पिंग वर्ब्स के बाद, जो मेन हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनके बाद ही हमारे पास नॉट का इस्तेमाल होता है नेगेटिव में. कीप इट इन टू योर माइंड कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का इस्तेमाल होता है, इससे पहले हम नहीं कर सकते, सेंटेंसेज हमारे पास गलत स्ट्रक्चराइज होते हैं. दे हैड नॉट अराइव्ड ऑन संडे. I had looked far away as I can. So इस तरह के हमारे पास sentences form होते हैं. Had का इस्तेमाल पहले होता है और उसके बाद past participle form होती है और उसके बाद हमारे पास एक sentence जो है object होता है. यहाँ पर हमारे पास as we know that subject होता है, यहाँ भी हमारे पास subject form है, ये भी हमारे पास subject है, जिन्हें हम pronouns भी कहते हैं और subject भी कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इन दी एंडिंग मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जैसा कि हम बहुत से टाइम में ऐसा होता है कि हम सेंटेंसेस जब फॉर्म करते हैं हम बिल्कुल परप्लेक्स सिचुएशन हो जाती है हमारी कि हम इन्हें रिकॉग्नाइज़ कैसे करें. इंग्लिश में तो रिकॉग्निशन बहुत इजी होती है, दिस इज़ टू मच इजी, कि अगर हेड हमें दिख रहा है
और उसके साथ ही हमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एक्शन वर्ब दिख रहा है तो ऑब्वियसली हमें पता चल जाएगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। हेड से पता चलेगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म से हम रिकॉग्नाइज करेंगे। उर्दू के जुमलों में एज आई टोल्ड यू चुका है, चुकी है, चुके हैं इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे हमारे पास इस सेंटेंस की सबसे अच्छाई, सबसे बड़ी चीज़ ये है, उसकी खासियत ये है, क्वालिटी ये है कि हम जो हैं हेड के साथ जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं उन सब के साथ हम डील करते हैं हेड को। बाकी जितने भी हमारे पास टेंसेज होते हैं उनमें हम आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, उनको सेपरेट करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में उन्हें डील करते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस के साथ एस और यस हम ऐड करते हैं सिर्फ वहाँ पे जहाँ पे हमारे पास सिंगुलर पर्सन होता है, हमारे पास जो पर्सन है हमारा या हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होता है तो वहाँ हम एस सी एस को ऐड करते हैं। यहाँ हमारे पास सिर्फ हेड है तो हेड के साथ जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं आई, यू, दे, वी, यू, ही, शी, इट, जितने भी आप देखिए हमारे पास हैं इनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? हेड। और आगे हमारे पास क्या यूज़ होगा? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ब। हमारे पास थर्ड फॉर्म यूज़ होगा एक्शन वर्ब का, इसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, थर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। सो इट्स टू मच ईजी। और एज आई टोल्ड यू कि हम अगर रिकॉग्निशन की उर्दू में बात करें, समटाइम ऐसा होता है हमारे पेपर्स में, हमारे एग्ज़ाम्स में कुछ ऐसे ट्रांसलेशन्स आते हैं जो कि उर्दू में होते हैं, हम उन्हें कन्वर्ट करना होता है इंग्लिश में, तो हम उनकी रिकॉग्निशन किस तरह करेंगे कि जुमलों के एंडिंग में चुके हैं, चुका है और चुकी है, इस तरह के वर्डिंग यूज़ होंगे, इस तरह से ये जुमलों की एंडिंग होगी तो इससे हम रिकॉग्नाइज करेंगे बहुत अच्छे से कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, जहाँ पे सिर्फ हेड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और जितने भी हमारे पास हमारे सब्जेक्ट्स हैं उन सब के साथ हम हेड के साथ उन सबको डील करते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्लूरल या सिंगुलर सब्जेक्ट की कोई बात नहीं चल रही है, ओनली हेड है और इसी के साथ हमने इन सबको डील करना है। सो व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से मेरे स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल का भी ख्याल रखें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।